अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उबैदुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान न्यूज़। और आज हम उसी सीरीज़ के हवाले से आए हैं जो हमने निशान हैदर के नाम से एक सीरीज़ शुरू की थी, जो कि हमारे 10 मुजाहिदीन जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया इस मुल्क की खातिर, और उन्हें निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया, जो कि अब तक पाकिस्तानी फ़ौज का सबसे बड़ा एजाज़ है। दोस्तों, दुनिया की हर काम मुल्क व कौम की खातिर जान कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन अदा करने के लिए इन्हें एजाजात से नवाजती और इनामात से सरफराज करती है। चनाचा हमारे मुल्क में भी इन मुजाहिदीन के लिए जो मैदान जंग में मिसाली जात का मुजाहरा करते हैं, बहुत से एजाजात और तकमे मुकर्रर किए गए हैं। सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर है, जो अब तक इन 10 फौजी मुजाहिदीन को दिया गया है, जिन्होंने गैर ममाली जुर्रत और मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो हमारे पास आते हैं शहीद, वो हैं राशिद मिनास, जो कि एक पायलट थे। जुर्रत और शजाअत का मुजाहरा करके यह लिहाज हासिल करने वाले चौथे मुजाहिद पायलट ऑफिसर राशिद मिनास थे, जिन्होंने 20 बरस की उम्र में यह एजाज हासिल करके दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। 20 अगस्त 1971 को वो तरबेती परवाना परवाना होने को ही थे कि इनके इंस्ट्रक्टर मतुर रहमान ने त्यारे के अंदर घुसकर इनका कंट्रोल संभाल लिया। वो गरतारे वतन था और त्यारे को अगवा करके पाकिस्तान के कुछ खुफिया और अहम फौजी राज दुश्मन को पहुंचाना चाहता था। राशिद मिनात ने कंट्रोल हासिल करने की बहुत कोशिश की, पर इस कश्मकश के दौरान इनके ये अल्फाज कंट्रोल टावर कराची में सुनाई दिए, मेरे त्यारे को अगवा किया जा रहा है, गरदार के साथियों को हिंदुस्तानी सफारतखाने में पना लेने से रोको। इसके बाद कोई लम्हा जाया किए बगैर राशिद मिनास ने त्यारे का रुख जमीन की तरफ कर दिया और इसे जमीन से टकरा दिया, जो गिरते ही पाश पाश हो गया। राशिद मिनास ने अदाए फर्ज की खातिर जान कुर्बान कर दी, लेकिन खुफिया राज और अहम कागजात दुश्मन तक न पहुंचने दिए।